धनतेरस कथा उठिले आम साधारण तो बुझी था से ही दिन सुना रूपा किणवापे ध्यान दे था किंतु ए सब व्यतीत धनतेरस पालन करिया पछरे एक पौराणिक कथा प्रचलित रही हिंदू धर्मग्रंथ अनुजाई जो समय सगर मंथन होता से ही समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश नहीं प्रकट होते त्रयोदशी तिथि भगवान धन्वंतरी प्रकट हो दिन टी धन त्रयोदशी कहुए और धनतेरस को सुख और समृद्धि पर्व रूपे पालन करा जाए। सुख समृद्धि पर धनतेरस दिन दीपहर किणत तो बासनकुसन आभूषण धनिया गणेश और लक्ष्मी का प्रतिमा चांदी मुद्रा किणवा द्वारा समृद्धि बढ़िया बेचना करतद व्यतीत गाड़ी भूमि वैद्युतिक सामग्री वस्त्र रोसई बा घरकरणा सामग्री किणवा शुभ बोली बेचना कराए किंतु जदि आपण चांदी बासनकुसन किणुंट तेबे ताहाकु खाली घर को न आनी सेथिरे गुड़ बा कोनोसी मीठा पदार्थ रखी आनिबा उचित। एहा छड़ा पीतलर निर्मित बासन किणी पारिबे एही दिन पीतल धातु किणीबा मध्य अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एही दिन घरर आलमीरा रे अथवा दुकान रे मां लक्ष्मी को बसीथिबा कलशरु धन वर्षा करूथिबा ओ हाथी सुंढ उठाइथिबा अवस्था रे थिबो एपरि करिबा द्वारा आदुओ धनर अभाव होइ नथाय। मात्र एही दिन लुहा स्टील बासन और काचर प्रस्तुत जिनिष किणंतु नाही। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।